हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे होंगे आप और इयररिंग्स देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे। तो ये सिल्क थ्रेड वाले इयररिंग्स हैं। पहले जो मैंने आपको दिखाए हुए थे एक वीडियो में, वो मैंने क्यूलिंग पेपर से बनाए हुए थे। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। उसका कलेक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो सिल्क थ्रेड इयररिंग्स का कलेक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जो मैंने इयररिंग्स का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप तीनों पार्ट ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ इयररिंग्स। ये कुछ झुमकी डिज़ाइन में है, ये देखिए, जिसमें मैंने ये मोती लगाया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और ये वाइट और गोल्डन मोती का मैंने यूज़ किया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और नेक्स्ट ये देखिए, ये भी सिल्क का ही है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने डायमंड चेन का यूज़ किया है, और यहाँ पे ये मोती लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद। आप साड़ी वगैरह पे इनको पहनिए, अगर हैवी सूट है तो उन पे पहनिए, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मल्टी कलर की ये झुमकी है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए डायमंड चेन के साथ मैंने इसको अच्छे से और खूबसूरत बना दिया है। ये देखिए ग्रीन कलर का है, और मैंने इसमें मल्टी कलर की चेन यूज़ की हुई है। ये देखिए, ये डबल लेयर झुमकी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर और ये डार्क पर्पल कलर मैंने यूज़ किया है, ये देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डबल लेयर झुमकी है, ये ब्लू कलर और येलो कलर, और साथ में मैंने इसको डायमंड उसका मल्टी कलर की चेन का इसको टच दिया है। और यहाँ देखिए, ये भी डबल लेयर झुमकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये सिल्क थ्रेड में आपको डबल लेयर झुमकी ही मिलेंगी, क्योंकि आप इजीली इनको हैवी साड़ी है तो उस पर पहन सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है पहनने पे। ये देखिए, ये भी डबल लेयर में है, कितना अच्छा कलर लग रहा है। कलर कॉम्बो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मल्टी कलर के साथ, चेन के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइट कलर हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पर्ल वाली जो चेन होती है उसका यूज़ किया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉम्बो रखा है, और साथ में मल्टी कलर की चेन यूज़ की है। ये देखिए, अभी ये वाला देखिए, येलो कलर और हल्का सा थोड़ा सा डार्क कलर मैंने यूज़ किया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए येलो कलर एंड ब्लू कलर, और साथ में मल्टी कलर की चेन। अभी ये नेक्स्ट देखिए, वाओ कितना सुंदर दिख रहा है ये इयररिंग्स। 3 लेयर झुमकी है ये, शायद से मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया हुआ था। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। अभी यहाँ देखिए ये झुमकी, ये एक ही लेयर में है, बहुत प्यारी लग रही है। मगर ये देखिए बॉल चेन के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये देखिए रेड कलर, वो ग्रीन कलर है, और गोल्डन चेन मैंने इसमें लगाई हुई है, बहुत प्यारी लग रही है ये भी। ये मैंने सिंपल ही रखा है इसको। ये देखिए ग्रीन कलर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ऑरेंज कलर। ये देखिए बहुत अच्छा कॉम्बो लगता है ये ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर। यहाँ पे छोटी छोटी सी मैंने झुमकियाँ बनाई हैं, ये ऑरेंज कलर है और ये ग्रीन कलर है। और ये देख सकते हैं आप, ये ऑरेंज कलर और वाइट कलर का कॉम्बो। और यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर की झुमकियाँ हैं। मैंने यहाँ पे नीचे ये घुंघरू लटकाए हुए हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये वाली झुमकी भी, पर्ल के साथ मैंने इसको नीचे लगाए हुए हैं। ये देखिए मल्टी कलर की झुमकी है। ये देखिए आप, मैंने इसमें फ्लावर का यूज़ किया है, फॉर्म का फ्लावर है वो यूज़ किया है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये देखिए एक नया डिज़ाइन है ये देखिए,
ये बहुत सुंदर लगता है पहनने पर। डायमंड चेन मैंने इसमें यूज़ की हुई है, एक ये वाला शेप है, ये देखिए दोनों साइड से इसको वेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये सिंपल बनाए हुए हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं, इनको आप इजीली सूट वगैरह पे पहन सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड पार्ट में मैंने अपना सिल्क थ्रेड का कलेक्शन दिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये कलेक्शन आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा थर्ड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।